दोस्तों आईपीएल साल 2023 का सीजन काफ़ी मजेदार होने वाला है, बट इसको स्टार्ट होने में काफ़ी समय बाकी है। बट उससे पहले दोस्तों मिनी आईपीएल भी होने वाला है, वो काफ़ी मजेदार लग रहा है। उसकी टीम्स, उसकी जर्सी, काफ़ी सारी अनाउंसमेंट रोजाना निकल कर आती है। तो ये सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। नीचे यूजर नेम में सर्च करो, फॉलो करो। बात करेंगे केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, और टीम केकेआर की काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आ रही है। कुछ आपको एक ऐसी अपडेट भी मैं लास्ट में देने वाला हूँ जो काफ़ी मजेदार और एक अनोखी सी अपडेट हो रही है। कुछ अपग्रेडेशन होने वाला है टीम केकेआर में, तो काफ़ी सारी अपडेट्स है और इस टॉपिक के रिगार्डिंग ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इन अपडेट से चलते क्या फ़ायदा या फिर क्या नुकसान टीम केकेआर को होने वाला है, इस वीडियो में यही सब डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी मजेदार है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना और आप सभी लोग देखना वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के सीजन के लिए अपनी सब फ्रेंचाइजी में दो और नई फ्रेंचाइजी एड ऑन करने वाली है, जिसकी कंफर्म लिंक हमारे पास आ चुकी है। खैर आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके अकॉर्डिंग टीम केकेआर को सारी फ्रेंचाइजी में एक ही हेड कोच रखना चाहिए, अलग अलग रखने चाहिए। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है हेड कोच को लेकर। सो फाइनली दोस्तों ये अपडेट सुन सुनकर आप भी काफी बोर हो गए होंगे, बट रोजाना हेड कोच को लेकर कोई ना कोई अपडेट निकल कर आ रही है। ऐसा नहीं है कि यार ये सारी अपडेट्स एक दिन में ही दे दें। पता नहीं दोस्तों इतना स्लो मोशन में ये अपडेट्स क्यों चल रही है, खासकर हेड कोच को लेकर। सो खैर दोस्तों कोच की बात पर आ जाते हैं। तो यहाँ जो सुनील गावस्कर है रिसेंटली, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया, अनाउंसमेंट तो कितने दिन पहले हो गए, सबको लगता है सो सोकर जाग रहे हैं। तो यार यहाँ पर जो लिटिल मास्टर है जिनको हम कहते हैं, जो सनी भाई हैं यानी जो सुनील गावस्कर हैं, उन्होंने बता दिया यानी तारीफ ही की है। आप स्टेटमेंट सुनो नहीं सुनो तारीफ ही की है कुल मिलाकर, और बताया है कि यार आईपीएल के अंदर अब डोमेस्टिक कोचेज आ रहे हैं तो ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा, जो आप रोजाना हर एक बोरिंग आपके लिए ये हो चुका होगा, रोज एक ही एक स्टेटमेंट सुन रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कल को सौरव गांगुली भी ये कह दें या फिर सचिन तेंदुलकर भी ये कह दें, रोज एक दिग्गज कह रहा है, रोज एक कोई एक्स प्लेयर कह रहा है और रोज हेड कोच की तारीफ हो रही है टीम केकेआर के लिए। बट अपडेट की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा तारीफ टीम केकेआर के लिए, अगर हेड कोच ने परफॉर्मेंस नहीं दी ना तो यही लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। और दोस्तों कहीं ये भी हो सकता है कि परफॉर्मेंस देने से पहले ही और आईपीएल शुरू होने से पहले ही हेड कोच को यहाँ पर नज़र ना लग जाए। तो यार हम तो यही चाहेंगे कि टीम केकेआर के लिए जो भी हो सबसे बेस्ट हो, वो भी खासकर हेड कोच के हाथों हो, ताकि वो आगे और ज़्यादा प्रॉमिसिंग यहाँ पर कुछ कर पाए टीम केकेआर के लिए। आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो आपके अकॉर्डिंग हेड कोच के यहाँ पर त्रुप के इक्का क्या होने वाला है, मेजर स्ट्रेटजी क्या होने वाली है आईपीएल साल 2023 के लिए। अगली अपडेट निकल कर आ रही है टीकेआर को लेकर। सो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सीपीएल अभी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। लिंक अगर आपको पता नहीं है कहाँ आएगा कैसे आएगा, हाईलाइट्स देखनी है, लाइव देखना है, कमेंट्री हिंदी सुननी है, तो यार नीचे टेलीग्राम है उसको जाकर फॉलो कर लो। हर एक मैच की हम अपडेट, हर एक मैच की लाइव लिंक देते हैं। तो यार यहाँ पर हेड कोच कोई भी नहीं था, तो यहाँ से बुलाया गया इंडिया से अभिषेक नायर को। अब हेड कोच के लिए इनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते, बट यहाँ पर सोचा कि यार अभिषेक नायर वो काम तो कर ही रहे हैं, केकेआर में तो हेड कोच ही बन नहीं पाए, चलो टीकेआर में बना देते हैं, क्योंकि टीकेआर तो ऑलमोस्ट वैसे ही हर साल जीतती है। तो इसी के चलते अभिषेक नायर को यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया हेड कोच ऑफ टीकेआर। देखते हैं कैसा इनका संबंध रहता है। लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है मिनी ऑक्शन को लेकर। सो आप सोच रहे होंगे मिनी ऑक्शन पर पर्स मनी की या फिर दोस्तों कोई और स्ट्रेटजी के ऊपर ही अपडेट होगी, बट नहीं दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर एक बेंच एनालिस्ट टीम केकेआर ढूंढ रहा है। इसके अलावा जो टैलेंट स्काउट हेड है वो भी टीम केकेआर यहाँ पर बदलने की सोच रहा है। तो जो भी अपडेट होगी हम आपको आगे वाली वीडियोस में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।